नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में 70,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा के रूप में मंजूरी दी और कहा कि ये भारतीय प्रतिभा में विश्वास की पुष्टि है। जम्मू में जल शक्ति के अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल हुई स्थगित, डीसी जम्मू से आश्वासन के बाद लिया फैसला। इस बार 700 सीसीटीवी की नजर में होगी वैष्णो देवी यात्रा, अतिरिक्त सुरक्षा बल होंगे तैनात। जोजीला राजधन पास खुले, लद्दाख और गुरेज घाटी से संपर्क हुआ बहाल, इस बार 68 दिन बंद रहा मार्ग। जम्मू में चैंबर ऑफ कॉमर्स के 600 से अधिक नए सदस्यों को मिलेगा मताधिकार, 23 अप्रैल को चुनाव प्रस्तावित। पाकिस्तान हैंडलरों के संपर्क वाले 12 संदिग्धों की एनआईए ने की पहचान, 14 ठिकानों पर हुई कार्रवाई। देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सीमा सुरक्षा बल को मिले 119 नए सैनिक। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।